गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक तेजी आई थी और साथ ही साथ रैलिस जो कि पिछले 8-10 हफ्तों से 255 और 285 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे कल एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म नजरिए में तो अच्छा ही है। और अगर हम जो हिसाब से इसका जो प्रीवियस हाई था जून 2021 में 362 का और 185 188 का जो लो था मई 2023 का, अगर इसका एक रिट्रेसमेंट भी निकाले तो कल स्टॉक ने अपने जो 61.8% का जो फिबोनाची नंबर होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लग रहा है अब ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। और अभी तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रैलिस में अभी और डिप्स पे खरीदारी करें, 304 का स्टॉप लॉस और 328 और 340 के दो टारगेट्स मुझे लग रहा है आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में आ सकते हैं। ऑल राइट तो रैलिस इंडिया यहाँ पर रखनी है नज़र। कल भी ये काउंटर रेडार पर आया था, पालविया साहब ने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था, वहाँ पर उनके टारगेट्स हिट हुए। आज भी ये स्टॉक एक्शन में रह सकता है, सुदीप सर की तरफ से है रिकमेंडेशन।